करो या मरो मुकाबले से पहले पाकिस्तान को लग सकता है बड़ा झटका। अगर आप भी विराट कोहली को पसंद करते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एशिया कप 2023 में पाकिस्तान के दिन कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। पहले तो भारत से 228 रन की करारी हार मिली, अब जब श्रीलंका के साथ 14 सितंबर को करो या मरो के मुकाबला होना है तो खबर आ रही है कि दो बड़े गेंदबाज टीम से बाहर हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो टीम के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। दरअसल हुआ ये है कि भारत के मुकाबले में हारिस रऊफ और नसीम शाह को चोट लगी थी, जिसकी वजह से ये दोनों ही खिलाड़ी बल्लेबाजी के लिए भी नहीं उतर सके थे। अब कहा जा रहा है कि श्रीलंका के साथ होने वाले मुकाबले में भी ये नहीं खेल पाएंगे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हारिस रऊफ और नसीम शाह की बात करें तो पाकिस्तान के लिए कमाल की तेज गेंदबाजी करते हैं, और ये सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की मजबूती इनकी तेज गेंदबाजी ही है। अगर टीम के साथ ये प्रमुख खिलाड़ी नहीं खेलते हैं तो फिर टीम की गेंदबाजी कमजोर हो जाएगी, साथ में कल होने वाला मुकाबला पाकिस्तान को जीतना ही होगा। अगर टीम नहीं जीत सकी तो श्रीलंका फाइनल का टिकट कटा लेगी, इसलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए आने वाले मुकाबलों में मुश्किल हो सकती है। हालांकि अभी इनके ना खेलने पर पीसीबी या टीम की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।